लोग भी मजदूर के ही बेटे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आए और सबका मार्ग प्रशस्त करें। श्री टूर चौधरी परम आदरणीय हम लोगों का दिन जी बड़े भाई गोस्वामी जी मंच पर बैठे सभी रिस्पेक्टेड और सामने बैठे माताएं बहनी, काली पूजा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हम आग्रह करूंगा श्री धीरज गुप्ता जी से मंच पर हत्या करने के लिए उनका जन्म हुआ था। अब रक्त बीज है नहीं, मनुष्य के अंदर में रक्त बीज है, नकारात्मक चीज, ईर्ष्या, दूसरे का बुराई, निगेटिविटी जिसको बोलते हैं, तो अब अपने आप में खोजने का है कि हम अपने रक्त बीज, अपने निगेटिविटी कैसे दूर करें माता काली का पूजन करने के साथ साथ। माँ काली हो, दुर्गा हो, हमारे कोई देव देवी हैं, देवता हैं, मंदिरों में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मन में अभिलाषा रहती है, हम चाहते हैं कि हमारी वो अभिलाषा पूरी करने में ये दैवी शक्ति मदद करे, सहयोग करे। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव, श्री श्री काली पूजा कमेटी सिद्धगोड़ा यूथ संघ का सम्मान समारोह था और इस समारोह में काली पूजा के अवसर पे हमारे राजीव रंजन सिंह जी उपस्थित थे और सबसे बड़ी चीज़ है कि जेना भी उपस्थित थे। हम चाहेंगे कि सर समाज और सुख हो, समाज और भविष्य उसका अच्छा हो, इसके लिए सर पुलिस को और क्या क्या करने की ज़रूरत है। और आपने बहुत अच्छा भाषण दिया था, मैंने भाषण आपका सुना कि सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेवारी नहीं है कि समाज को सुधारने के लिए। अगर आप हिंदू सनातन धर्म का अगर बैक में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपराध उस समय नहीं था, अपराध उस समय भी था, हर युग में कुछ न कुछ अपराध होते रहा है, लेकिन उस समय लोग जागरूक थे। केवल हम लोग पुलिस के भरोसे अपराध को नहीं छोड़ सकते हैं कि समाज का अपराधीकरण मुक्त करने के लिए हमें स्वयं से शुरू करना होगा। पुलिस एक माध्यम है, पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग अपने स्वयं के अंदर के अपराध को मारें और अपने घर से शुरुआत करें। जैसे आप देखते हैं कि हम अपने घर में अपने माँ के प्रति जो भावना रखते हैं, अपनी बहन की प्रति जो भावना रखते हैं, वही भावना अगर अपने क्लास में पढ़ने वाले अन्य बच्चियों के साथ हमारी भावना हो जाए, समाज में अगल बगल में रहने वाली अन्य औरतों के साथ मेरी भावना हो जाए, तो जो एक औरत से रिलेटेड अपराध है आप देखेंगे एकाएक वो उसका ग्राफ बहुत नीचे गिर जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यंग जनरेशन को अच्छी शिक्षा दें, उनका करेक्टर बिल्डअप करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना और उसमें नैतिकता का पाठ लाना, क्योंकि जब तक नैतिकता का पाठ नहीं आएगा तब तक व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं बनेगा, और जब तक संपूर्ण व्यक्ति नहीं बनेगा समाज कभी विकसित नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान रखें, और हमें बड़ा खुशी हुआ कि पंडाल में ये स्लोगन लिखा हुआ है नवीन जैना जी का, और इन्होंने अपना एक समाज के नवनिर्माण के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए इन्होंने एक स्लोगन दिया, कम से कम एक शुरुआत करने का प्रयत्न तो किया ही है। चलिए, आपका आशीर्वाद मिले रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जैना जी। बहुत बड़े लोग को आपके तरफ से छत्र छाया है और आपकी हर एक्टिविटी में उन्होंने अपने समय देता है, तो ये शक्ति आपको कहाँ लेके जाने वाला है? इस ये शक्ति मुझे समाज के अच्छे कर्मों के तरफ लेके जाएंगे, और समाज हमें ज़रूर सहयोग देगा, और इसके लिए जो हमारे सपोर्टर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट मिलते रहे कि हम जो आगे और भी आदमी को इससे जोड़ के काम आगे अच्छे करते रहें। ये दुर्गा पूजा जो काली पूजा कमेटी कितने साल पुराना है और कितने लोग को आज आपने सम्मान समारोह में बुलाया था? ये आपको 33 साल पुराना पूजा है, ये
33 ईयर्स हो गया इस पूजा को, और हमने यहाँ पर 14 आदमी को बुलाए थे सम्मान समारोह में, और सब आए थे, अपने अपने विचार रखे और हमें अपने आशीष दिए। धन्यवाद उनको बहुत बहुत इसके लिए। कुणाल जैना जिन्होंने कहा है कि हम आपके साथी हैं, इनसे मिलिए, अपनी समस्या बताइए और ये आपको 24 घंटा उनके लिए रहेंगे। कम से कम आप अपराध के प्रति अगर सोचते हैं तो मत सोचिए, कुणाल जैना से ज़रूर इस विषय में बात कीजिए। समाज के माताओं और बहनों और हमारे साथियों को, उनको एक विशेष निवेदन है, अगर समाज से बुराई अपराध को ख़त्म करना है तो आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं जागिएगा तो समाज में बुराई ख़त्म नहीं हो सकता है। बुराई तभी ख़त्म होता है जब माता जागती है, और आप हमारे माता हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे ख़त्म करने में आगे आएं। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।